नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय यानी जे एस की जो सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक होगा क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो डेढ़ सौ नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको और समय जो आपको मिलेगा वो है आपको दो ही घंटा समय मिलेगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करना है कि इसमें सामान्य ज्ञान के जो डेढ़ सौ प्रश्न पूछे जाएगा आप किस सेगमेंट को कम से कम समय में तैयार कर सकते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आप पढ़ के एक अच्छा प्रिपरेशंस कर सकते हैं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण तो है क्योंकि दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो बहुत सारा किताब खरीद के लाता है कि हमको झारखंड सी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और बहुत सारा किताब लेके आता है कभी इस किताब से दो पेज कभी उस किताब से दो पेज और ऐसे ही पढ़ता है और फाइनली प्रिपरेशन तो होता है लेकिन वो सटीक प्रिपरेशंस नहीं हो पाता है क्योंकि उसके दिमाग में ये बात चलते रहता है कि उस किताब से भी पढ़ना है उस किताब से हम नहीं पढ़े हैं ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आप इस किताब से जो पढ़े हैं वो चीज़ दिमाग से आउट होते जाता है क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादातर टाइम ये सब बातें चलते रहता है कि यार उस किताब तो, तो हम पढ़े ही नहीं हैं उस किताब को पढ़ना बाकी है क्योंकि बहुत सारे किताब खरीद के लाए हैं और जो कम किताब खरीद के लाते हैं उसके साथ जो सबसे एडवांटेज होता है कि वो एक ही किताब पढ़ता है और उसके दिमाग में दूसरा किताब का ख्याल नहीं आता है और इसीलिए उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है और जो दस किताब खरीद के लाते हैं उनके दिमाग में चलते रहता है ये वाला किताब नहीं पढ़े हैं वो वाला किताब पढ़ना बाकी है तो ऐसे स्थिति में क्या है कि वो जो पढ़ते हैं वो भी उसके दिमाग से आउट हो जाते हैं तो आज देखिए इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आप सब कौन कौन सा किताब पढ़ना है और कैसे कम से कम समय में आप एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं देखिए पहला जो है वो है झारखंड जी के यानी झारखंड सामान्य अध्ययन ठीक है इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो है आपका फोर्टी क्वेश्चन याद रखिएगा झारखंड जीके से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है झारखंड जीके का झारखंड सी के सामान्य ज्ञान वाला जो पेपर रहेगा उसमें झारखंड जीके का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है चालीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है और इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें कुछ ऐसे प्रश्न रहेगा जो आके आपको एग्जाम से जब आप आएंगे तो आके फाइनली आपको इसका आंसर गूगल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे प्रश्न कुछ होंगे जो आपको ना ही उड़ान में मिलेगा ना ही स्पर्धा में मिलेगा ना ही लूसेंट्स में मिलेगा और ना ही मनीष रंजन में मिलेगा तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे और फाइनली आपको गूगल करना पड़ेगा खैर गूगल में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपके घर के बाहर होगा मौजूद है लेकिन आपको पता नहीं है लेकिन गूगल को पता रहता है खैर वैसे प्रश्न को गूगल के जरिए हल किया जा सकता है दोस्तों हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप लूसेंट्स की किताब जो है ठीक है लूसेंट्स की किताब को जरूर पढ़िए ठीक है साथ ही पीटी चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे इसीलिए उड़ान पब्लिकेशंस की जो किताब है इसको भी आप पढ़ जाइए और इससे ज़्यादा हम तो नहीं बोलेंगे कि कुछ पढ़िए क्योंकि दस किताब लाएंगे तो फिर वही कन्फ्यूजन वाला स्थिति होगा लूसेंट और उड़ान आपका सफिशियंट से झारखंड के जो चालीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे हालाँकि चालीस क्वेश्चन में से हम तो बता ही दिए हैं कि दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इन किताबों से बाहर रहेगा अब आते हैं हम लोग मैथ्स में देखिए मैथ्स में आपका ट्वेंटी क्वेश्चन पूछा जाएगा बीस क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथेमेटिक्स से ठीक है जिसमें अंकगणित पूछा जाएगा आपको ठीक है अंकगणित बीजगणित ज्यामिति त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति मैंसूरेशन्स तो ये कुल मिलाकर पांच टॉपिक है और लगभग अगर देखा जाए तो हर टॉपिक से आपको चार एवरेज क्वेश्चंस बन जाएंगे एवरेज की बात कर रहा हूं किसी किसी में तीन भी होता है ठीक है तो एवरेज चार क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इन्हीं में से इससे बाहर आपको मैथ में क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा और इसके लिए मैं जो आपको बुक सजेस्ट करूँगा दोस्तों इसके लिए कुछ कोई एडवांस मैथ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप एन सी आर टी नाइन्थ और टेंथ ठीक है एन सी ई आर टी ये नाइन्थ और टेंथ का किताब को लाइए और पढ़ जाइए इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए इसका जो थ्योरेटिकल्स पेपर है उसको थोड़ा पढ़िए बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए और उसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन चीज़ों को थोड़ा देख लीजिए हल कर लीजिए प्रैक्टिस जो अभ्यास प्रश्न है उसको थोड़ा कर लेंगे तो आपका जो गणित है गणित में एक बेस भी मजबूत हो जाएगा और ऐसे भी ये जो पूछा जाएगा मैथ के क्वेश्चन वो टेंथ स्टैंडर्ड के ही होंगे ये सिलेबस में मैंसन किया हुआ है टेंथ स्टैंडर्ड के आपको मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछा जाएगा अब हम लोग देखेंगे विज्ञान साइंस को साइंस में भी दोस्तों बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है साइंस में आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साइंस में जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सिलेबस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नहीं वो क्लास इलेवेंथ से आपको पूछेंगे नौ क्लास ट्वेल्व से पूछने वाले हैं बस साफ साफ ये लिख दिया है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ आपको एक साइंस का बेसिक समझ होना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे हर कोई बाइक चलाता है मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल में जो ग्लास होता है लुकिंग ग्लास जिसको हम लोग बोलते हैं वो कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो ये एक बेसिक समझ वाला प्रश्न है तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे सैलून वाला प्रश्न जो होता है अक्सर की सैलून में जो दर्पण लगाया हुआ था वो किस दर्पण होता है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण तो यही सब चीज़ पूछे जाते हैं इससे मतलब बेसिक समझ ठीक है इन्हीं बेसिक कंसेप्ट वाला चीज़ मतलब अवलोकन जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं चीज़ों को और इसमें साइंस कहाँ है ठीक है हर चीज में साइंस का कहाँ है कहाँ पर साइंस के यूज हो रहा है तो इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा हालांकि इसके लिए मैं जो बुक बता रहा हूं दोस्तों आप एन से कुछ ज्यादा मत पढ़िए आप एन सी आर नाइन टेंथ पढ़ लीजिए ठीक है आपका बेसिक समझ भी क्लियर हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे चीज़ों को तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है एन सी आर ठीक है आपका बेसिक समझ बन जाएगा इसके लिए पता चला आप कुछ बढ़िया मोटा सा किताब खरीद के लाए हैं बढ़िया राइटर का तो वो सब काम नहीं करिए आप एन सी आर टी नाइन टेंथ पढ़िए आपका सफिशियंट साइंस की तैयारी हो जाएगा अब आते हैं सामान्य अध्ययन देखिए यहाँ से तीस प्रश्न पूछे जाएगा यानी अगर देखा जाए तो झारखंड जी के बाद अगर दूसरा जो सेगमेंट है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन अपने आप में बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है क्योंकि इसमें हर चीज़ मिक्स है आपका हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटी से लेकर करंट अफेयर से लेकर मतलब हर चीज़ को इसमें शामिल किया गया है और इसमें क्वेश्चंस का दायरा भी बहुत बन सकता है ठीक है और इसमें जो मेजर टॉपिक है दोस्तों वो देख लीजिए एक बार आर्थिक परिदृश्य है भारत का इतिहास इतिहास में तीनों सेगमेंट्स हैं यानी एनशियट हिस्ट्री भी है मेडेबल भी है और मॉडर्न भी है कहीं से प्रश्न पूछ सकता है भारत का भूगोल इसमें भी अगर देखा जाए तो दोनों हैं फिजिकल और पॉलिटिकल जो है दोनों पूछा जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन संविधान एवं राज्य व्यवस्था पूरा संविधान को घुसेड़ दिया है एम लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ना पड़ेगा आपके हिसाब से हैं संविधान एवं पंचायती राज है सामुदायिक विकास को डाल दिया है पंचवर्षीय योजना समसामयिक विकास वैज्ञानिक प्रगति भाषा पुस्तक लिपि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मुद्रा राजधानी खेल खिलाड़ी जा और झारखंड जी के तो मैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि इस सामान्य अध्ययन में जो झारखंड जी के वाला पोर्सन्स है ये वाला इसमें आपको लगभग चार या पाँच क्वेश्चंस पूछे जाएगा और बहुत ही आसान प्रवृत्ति के क्वेश्चंस होगा ये इसमें नॉर्मली इस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल ठीक है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें तो लेकिन इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है लगभग चार से पांच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें ठीक है इसको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं इसके लिए जो ये वाला पोर्शन है आप झारखंड जीके वाला जहां से चालीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका ये वाला सेगमेंट तैयार हो जाएगा ठीक है इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है चार से पांच क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसमें ध्यान नहीं देना है अब इसमें बता रहा हूं कि तीस में से देखिए पंद्रह क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपका तीस में से वो है आपका यहाँ से लेकर आप आ जाइए पंचवर्षीय योजना ठीक है यहाँ तक लगभग आपका बारह से पंद्रह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है बारह से पंद्रह क्वेश्चन सिर्फ रहेगा आपका इस सेगमेंट्स में और इस बारह से पंद्रह क्वेश्चन के लिए आपको कितना मेहनत करना आप समझ ही रहे हैं इतिहास से लेकर भूगोल से लेकर मतलब संविधान से लेकर क्या नहीं पढ़ना है और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो है दोस्तों कि आप मोटे मोटे किताब को छोड़कर मतलब छोड़ दें और आप लूसेंट्स पढ़ लीजिए ठीक है लूसेंट्स पढ़िए इस 12 से पंद्रह क्वेश्चंस आपका कम से कम समय में तैयार होगा और जो तीसरा यहाँ पे देखिए ये वाला सेगमेंट जो है समसामायिक विकास से बात करें तो आ जाइए आपका खेल खिलाड़ी तक ठीक है इस सेगमेंट में बात करें दोस्तों तो बहुत ही छोटा है यानी लूसेंस में भी देखेंगे ना तो मुश्किल से हमको लगता है पंद्रह पेज का होगा और इस पंद्रह पेज को तैयारी करके आप आराम से बारह से पंद्रह क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इसको आप कर सकते हैं तो यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बारह पंद्रह पेज पढ़ कर आप बारह से पंद्रह नंबर स्योर कर सकते हैं वहीं पे इसको पढ़ने के लिए अगर आप लूसेंस पढ़ें तो ठीक है अदरवाइज़ अगर हर किताब पढ़ना शुरू कर दें तब तो भाई आपका मतलब पूरा सीजीएल का समय इसी में खत्म हो जाएगा पता तो चला आप इतिहास पढ़ रहे हैं भूगोल पढ़ रहे हैं आंदोलन स्वतंत्र आंदोलन संविधान राज्य व्यवस्था इन्हीं में आपका पूरा सीजीएल ख़त्म मतलब गणित उनित तो आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसी में वो खा जाएगा आपका पूरा समय इसीलिए कम से कम समय में तैयारी का बेस्ट स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि इस सेगमेंट को तैयार करिए पंद्रह से बीस पेज होगा मुश्किल से और आपका बारह से पंद्रह नंबर श्योर हो जाएगा कम से कम समय में और इन चीज़ों के लिए आप लूसेंस पढ़िए लूसेंस के अलावा कुछ अलग मत पढ़िए क्योंकि अगर पढ़ेंगे हर किताब को ला ला के तो आपको पता चला इतना मोटा सिर्फ किताब खड़ा हो जाएगा टेबल में और आपको समय नहीं दे पाएंगे कन्फ्यूजन में रखेंगे कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ दें अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के बारे में देखिए रीजनिंग से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है बीस प्रश्न रीजनिंग से ठीक है रीजनिंग से बीस क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें है शाब्दिक गैर शाब्दिक प्रश्न पूछा जाएगा आपका ठीक है सदृश समानता एवं भिन्नता स्थान कल्पना और समस्या समाधान ठीक है तो इसमें जो समस्या समाधान है दोस्तों इस समस्या का समाधान में कई लोगों का ऐसा होता है कैंडिडेट्स का कि समस्या का समाधान करते करते खुद समस्या बन के क्रिएट हो जाता है क्योंकि तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़िद्दी बन के होते हैं और वो लोग इन प्रश्नों का हल करने में ज़्यादा समय लगा देते हैं कि हल क्यों नहीं हो रहा है आखिर और वो लोग उस हल करने के कोशिश में क्या करता है जो दो घंटा का समय मिला है इसमें आधा घंटा तक लगा देते हैं और फाइनली घर आके ये कहता है यार एक क्वेश्चन पूछा था उसमें हम बहुत कोशिश की यार हल ही नहीं हुआ और मेरा बाकी प्रश्न का जो था वो ख़राब हो गया तो ऐसी स्थिति में यही सब हो जाता है इसीलिए इन प्रश्नों को अगर नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए सबसे बेस्ट यही है क्योंकि ज़्यादा समय लगाएंगे आपका बाकी सेगमेंट खराब हो जाएगा इसीलिए इसमें ज़्यादा समय मत दीजिएगा अगर बन गया तो बन गया नहीं बना कोई बात नहीं घर आके पे बना लेंगे और इसका फाइनल आंसर आप निकाल लेंगे ठीक है अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर सेगमेंट्स में जिसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से बेसिक समझ का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर में ठीक है पता चला ऐसा नहीं है कि आपको हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं चाहिए बस आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं वही टेस्ट करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण ठीक है सी माउस की इन्हीं से प्रश्न रहेगा और क्या रहेगा विभिन्न उपकरण है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो सेवन हो गया टेन हो गया यही सब पूछा जाएगा और क्या एमएस ऑफिस के कुछ बेसिक्स चीज़ें को पूछा जा सकता है और इंटरनेट ठीक है यानी इसमें इसमें मैं आपको जो किताब सजेस्ट करूंगा दोस्तों इसमें आप खरीद सकते हैं परीक्षा मंथन ठीक है परीक्षा मंथन का एक किताब आता है आप इसको पढ़ जाइए आपको कंप्यूटर में कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है परीक्षा मंथन याद रखिएगा रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में सबसे बढ़िया होगा आपका अजय चौहान का एक बुक आता है ठीक है अजय चौहान आप इस किताब को पढ़ जाइए कोई दूसरा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है और सामान्य ज्ञान में तो हम बता दिए कि इन्हीं चीज़ों को पढ़िए इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए आपका डेढ़ सौ क्वेश्चन जो है वो लगभग यहीं से पूछे जाएंगे और इन्हीं किताबों को आप अच्छे से तैयार करिए आपका सी में मतलब सामान्य ज्ञान वाला जो टॉपिक है इसमें एक अच्छा खासा नंबर आ जाएगा क्योंकि अगर देखा जाए तो सेलेक्शंस लेने के लिए इस पेपर में आपका जो मार्क्स अपेंड करेंगे वो आपका मेरिट में शामिल होगा और इसमें अच्छे मार्क्स जो लोग गेन करेंगे वही लोग फाइनली उसमें आते हैं मेरिट में आ जाएंगे क्योंकि इच्छिक विषय जो है दोस्तों आपका जो जनजातीय रीजनल लैंग्वेज वाला है उसमें क्या है कि आपका रीजनल रीजनल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सौ में अगर आप अस्सी भी, भी कर लेते हैं पचास भी कर लेते हैं लगभग हर कोई करेगा रीजनल लैंग्वेज जो भी रखेगा मेहनत करेगा मार्क्स लाएगा लेकिन ये जो बेसिक है ये आपका फाइनल मेरिट को तय करेगा डिसाइड्स करे इसमें एवरेज बहुत लोग जाएंगे डेढ़ सौ में पता चला पचहत्तर अस्सी में एवरेज रहेगा और ज़्यादातर लोग इसी रेंज में रह जाएंगे लेकिन इसमें आप बढ़िया से तैयारी करेंगे आप थोड़ा पाँच नंबर दस नंबर और आगे निकल जाएंगे तो फाइनली मेरिट आपका है नौकरी आपके पास है समझ लीजिए अब आपको क्या करना है लेकिन जो बताएं दोस्तों आप इन्हीं किताबों को पढ़िए इससे ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत भटकाइए नहीं तो चला भटकते रह जाएंगे और फिर जीवन के एक पड़ाव एक ऐसा आएगा जब आप यही सोचेंगे कि काश हम थोड़ा दस किताब ना पढ़ के एक किताब पढ़ लिए होते तो आज कहीं कुछ और होते हैं तो ये बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं जितने भी एजुकेटर्स हैं वो अपने लाइफ में एक फेल्योर स्टूडेंट रहा है पहली बात यही एक सच्चाई है कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे मेरा तो पैस था यार कि हमको टीचर ही बनना है नो no डाउट कुछ लोग हैं टीचर्स लेकिन ज़्यादातर बात कर रहा हूँ नाइन्टी शिक्षक ऐसे हैं जो अपने लाइफ में एक फेल्योर है यानी वो किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था उनका कुछ और मंजिल था लेकिन जब नहीं हुआ तो एक एजुकेटर बन गए हैं यही एक सच्चाई है और एजुकेटर वो आज एक एजुकेटर जो आपको सजेस्ट कर रहा है उसका सिर्फ़ अनुभव को लीजिए तरीका मत अपनाइए ठीक है क्योंकि हर किसी का तरीका अपना अपना होता है उसका बस एक्सपीरियंस जो है अनुभव को आप लीजिए और उस अनुभव का फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी तरीका स्ट्रैटेजी आपको कैसे क्या करना ये आपके अपना ही फॉलो करिए दूसरों का स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके कभी सफल नहीं हो सकते इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि अपना एक अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी को फॉलो करिए बस जो अनुभव है इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो एक एजुकेटर और एक स्टूडेंट देखिए बेसिक समझ को समझिए कि वक्त लग वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है एजुकेटर है उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है अब आपको तय करना है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था टाइम था तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है ठीक है और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है और एक टीचर जो होता है दोस्तों बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब तो आप आगे निकल जाएंगे और अगर वही स्थिति रह गया कि आप अपने जीत पर चल रहे हैं और कौन क्या कह रहा है सुनना नहीं है तो फिर वही होगा एक पड़ाव आएगा जब आपको भी ये एहसास होगा महसूस होगा कि समय अब नहीं है अब मुझे टीचर ही बनना चाहिए क्योंकि फाइनली आप भी स्ट्रगल करेंगे चार साल पाँच साल और फाइनली आप भी एक एजुकेटर बन जाएंगे तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद